वेक्टर स्पेस मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था, और आज मैं इसका सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम जो है वो आपसे डिस्कस करूंगी। मैंने हाँ वेक्टर स्पेस के साथ सब स्पेस के बारे में भी आपसे डिस्कस किया था। ये जो थ्योरम है ये असल में सब स्पेस का जो है इसके अंदर क्राइटेरिया बयान इसमें एक्सप्लेन किया गया है। मैं इस थ्योरम के स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस और एफ, वी जो है हमारे पास वेक्टर स्पेस होगी और एफ में जो कि हमें पता है कि फील्ड जो है, एफ जो है हमारे पास फील्ड है, तो उस फील्ड के रिस्पेक्ट से वी हमारे पास वेक्टर स्पेस होगी। डब्ल्यू हमारे पास क्या है, कोई भी सबसेट है उस वी का, तो हमारे पास डब्ल्यू उस सूरत में सब स्पेस होगा वी का अगर ये दो क्राइटेरियाज डब्ल्यू के अंदर मौजूद हों, तो हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस हो जाएगा वी का। हमने इसी तरीके के बहुत सारे क्राइटेरिया जो थे क्राइटेरियाज वो हमने पढ़े थे अपने पिछले लेक्चर्स में भी। जैसे हम ग्रुप को सब ग्रुप प्रूफ किया था, फिर हमने साइक्लिक ग्रुप को सब ग्रुप प्रूफ किया था, और उनसे रिलेटेड हमने सारे थ्योरम्स जो है वो ग्रुप थ्योरी में डिस्कस किए हैं। तो टुडे हमने जो है वो वेक्टर स्पेस का जो क्या क्राइटेरिया होगा उसके सब स्पेस के लिए उसको डिस्कस करना है। तो क्राइटेरिया हमारे पास ये है कि कोई भी डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस ऑफ टू द वी सूरत में होगा कि अगर डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू अगर डब्ल्यू में मौजूद हैं तो एडिशन मतलब डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू इन दोनों की एडिशन भी उस डब्ल्यू में मौजूद हो। सबसे पहला क्राइटेरिया ये। सेकंड क्राइटेरिया इज दैट कि अगर हम कोई सा भी एलिमेंट फील्ड में लेते हैं और एक डब्ल्यू का एलिमेंट लेते हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी उस कैपिटल मतलब जो उसका डब्ल्यू है मतलब जो सबसेट ऑफ टू द वी है जो हमने डब्ल्यू को लिया है वो भी उसके अंदर ही मौजूद होना चाहिए। लेकिन अल्फा जो है वो एफ का एलिमेंट होगा, डब्ल्यू जो है वो कैपिटल डब्ल्यू का एलिमेंट होगा, और उन दोनों का प्रोडक्ट उस डब्ल्यू में मौजूद होना चाहिए। ये दो जो है वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है ये डब्ल्यू जो कि सबसेट है वी का, तो देन हम ये कह सकते हैं कि डब्ल्यू इज अ सबसेट सब स्पेस ऑफ टू द वी। तो हमने इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमारे पास इफ की डबल एफ हो तो इसका मतलब कन्वर्सली हमें इसे प्रूव करना है, यानी एक कंडीशन लेनी है दूसरे को प्रूव कर देना है, तो फिर हमें दूसरी कंडीशन लेनी है और फर्स्ट वाले को प्रूव करना होता है इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऊपर की कंडीशन लेती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं थ्योरम। सपोज दैट डब्ल्यू इज अ सबस्पेस ऑफ वी। ठीक है, हमने सबसे पहले इस बात को सपोज कर लिया कि वो उसका सबस्पेस ऑफ वी, और हमें ये दो क्राइटेरिया प्रूफ करने हैं। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहें। ओके, देन डब्ल्यू इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस। क्यों? जब आप कह रहे हैं कि डब्ल्यू सबस्पेस है वी का, सबस्पेस है ना, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो डब्ल्यू है वो इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस है। अब वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन जस्ट आपको अपने माइंड में लेकर आनी है, जो कि मैंने आपको पीछे बताई थी। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि क्या क्या क्राइटेरिया उसने वो चार से पांच जो है वो एक्जियम्स थे जो कि ये फुलफिल करेगा ये डब्ल्यू भी, जैसे कि वेक्टर स्पेस कर रही है क्योंकि डब्ल्यू जो है उसका सबस्पेस है, तो इस वजह से डब्ल्यू भी जो क्या होगा उसका वेक्टर स्पेस हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज द वेक्टर स्पेस ओवर ओवर द सेम फील्ड एफ। ठीक है, उसी फील्ड एफ के जिससे वो वी है, सेम फील्ड एफ के उसी तरीके से डब्ल्यू भी वेक्टर स्पेस होगा उसी सेम फील्ड एफ के। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, इन अदर वर्ड्स हम ये बात भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन ऑफ एडिशन। एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। एज डिफाइंड इन वी। ठीक है, क्योंकि W क्लोज्ड होगा अंडर ऑपरेशन ऑफ टू द एडिशन एंड द स्केलर मल्टीप्लीकेशन एज डिफाइंड, जिस तरीके से वेक्टर स्पेस के अंदर डिफाइन की गई है जो उसके अंडर क्लोज्ड होगा वो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से, इसी तरीके से W में भी ये दोनों चीज़ें होंगी। जैसे W में है, जैसे V में है, वैसे ही W में होगा। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ, इन अदर वर्ड्स हम ये बात कह सकते हैं कि W भी उसी ऑपरेशन के हिसाब से एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन रखता होगा जिस हिसाब से V रखता है, क्योंकि V इज
already a vector space. Therefore, we can say that therefore the first and the second statements are a satisfy. क्यों satisfy? मैं आपको बताती हूँ. देखिए, हमने कहा कि दोनों ही प्रॉपर्टीज के अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन उसमें मौजूद हो गया. आप देख रहे हैं कि मेरे फर्स्ट टू एग्जाम्स क्या हैं, यही है ना कि फर्स्ट में मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है ये क्या है, ऑपरेशन इसके अंदर होल्ड कर रहा है डब्ल्यू के अंदर, और सेकंड मेरे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है, चूंकि ये हमारे पास ऑलरेडी एक वेक्टर स्पेस है, क्योंकि डब्ल्यू अगर सब स्पेस है तो उसका मतलब वेक्टर स्पेस होगा. वेक्टर स्पेस होने की वजह से दोनों क्वालिटीज जो होंगी उस डब्ल्यू के अंदर मौजूद होंगी. इसी वजह से हमने यहाँ पर इस यहाँ पे थ्योरम जो है ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों की दोनों जो हमारे पास स्टेटमेंट होंगी वो यहाँ पर क्या करेंगी, ये सेटिस्फाइड होंगी. अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज रिटर्न कन्वर्सली पार्ट. कन्वर्सली में हमें वो जो दो कंडीशंस जो अभी मैंने प्रूफ की हैं उनको हमें एज्यूम करना पड़ेगा. एज्यूम दैट फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन इज होल्ड्स. ठीक है, इन W, यानी हमारे पास W के अंदर वो दोनों कंडीशंस होंगी. वो मैं यहाँ आपको लिख के दिखा देती हूँ वो दोनों कंडीशंस क्या हैं. एक तो ये चीज़ W के अंदर मौजूद होगी. सेकेंड इज दैट कि हमारे पास W1 प्लस W2 इज बिलोंग्स टू W, एक तो ये चीज़ मौजूद होगी. और सेकेंड हमारे पास जो होगा वो अल्फा W जो है वो बिलोंग करेगा W से. ये दो कंडीशंस ऑलरेडी हमारे पास क्या है, W के अंदर मौजूद है. हमें ये प्रूफ करना है कि W हमारे पास क्या होगा, वेक्टर सब स्पेस होगा V का. हमें इस बात को इसके अंदर प्रूफ करना है. अगर हमने ये बात प्रूफ करनी है तो इसका मतलब हमें W को ही ऐसा वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, जो दो कंडीशन हमने लिए हैं उन्हीं को ही थोड़ा सा यूटिलाइज करेंगे बाय सेकंड कंडीशन. आप सेकंड कंडीशन देख सकते हैं, हमारे पास अल्फा W बिलोंग्स टू W है. फ्रॉम द सेकंड कंडीशन अगर हम W1 एंड W2 लेते हैं W के अंदर, और एक वन एलिमेंट ले लेते हैं फील्ड एफ से. अगर हम वन लेते हैं तो फील्ड के अंदर माइनस एफ भी मौजूद होगा. ठीक है, क्योंकि एडिटिव जो है वो आइडेंटिटी उसकी क्या होगी, मौजूद होगी. हमें पता है कि फील्ड के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं. फील्ड जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो ग्रुप होता है, तो इस हिसाब से उसका एडिटिव आइडेंटिटी भी उसी में मौजूद होगी. अगर हमने वन एलिमेंट एफ में लिया तो माइनस वन भी एफ में लिया. तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्यों ये लिया है. एक्चुअली हमें ये बनाना था, हमें स्केलर यानी हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं. वी अप्लाई बाय सेकंड कंडीशन. ठीक है, ऑलरेडी मैंने लिख दिया. अब हमारे पास क्या होगा कि माइनस वन मैंने इसका लिया, अल्फा की जगह पर मैंने माइनस वन रखा इस कंडीशन में, और W मैंने W में लिया. तो ये हमारे पास किस में बिलोंग करेगा, W में. अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन दिस अप्लाइज दैट कि मेरे पास माइनस W टू हम इसको कह लेते हैं. ओके, हम W2 इसको बोल देते हैं. W का एलिमेंट हम कुछ भी ले लें तो ये हमारे पास क्या होगा, माइनस W2 इज बिलोंग्स टू W. ठीक है, अब हमारे पास ये बात यहाँ से प्रूव होगी कि माइनस W2 जो है वो W में बिलोंग करता है. एंड हम फर्स्ट बाय फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि W1 हमने ऑलरेडी किस में लिया था, W में, और माइनस W2 W में मौजूद है. तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, W1 माइनस W2 इज बिलोंग्स टू कैपिटल W. यहाँ से हमारे पास क्या बात प्रूव हो गई, दिस इंप्लाइज दैट W इज अ ग्रुप अंडर एडिशन. ठीक है, हमारे पास क्या होगा, अंडर एडिशन ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया. ठीक है, W हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया कि ये अंडर एडिशन क्या है, ग्रुप है. असल में ग्रुप है, सॉरी, असल में मसला हमने यही बात तो यहाँ इसमें प्रूव करनी है. हमें इसको अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, ग्रुप शो करना है. ठीक है, तो और बाकी वो जो एग्जाम्स है वो भी प्रूफ करने हैं हमें. कुछ एक दो एक ही कंडीशन अगर हम इसकी प्रूफ कर देंगे तो बाकी भी क्या होंगे, खुद ही से ही फुलफिल्ड हो जाती हैं. तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल गई, क्योंकि हमने W1 माइनस W2 बिलोंग्स टू W कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास W क्या हो गया, ग्रुप हो गया अंडर एडिशन. अब अंडर एडिशन ग्रुप हुआ, असल में फर्स्ट कंडीशन में मैंने इसका एडिटिव आइडेंटिटी भी निकाल ली. ठीक है, ये फील्ड के हिसाब से, ठीक है, हमने यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी भी इसकी निकाल ली है. W के अंदर जो एलिमेंट उसका एडिटिव आइडेंटिटी भी मौजूद है. तो इस रिस्पेक्ट से हमने यहाँ पर कहा कि W1 माइनस W2 अगर W से बिलोंग करता है, इसका मतलब W क्या होगा, हमारे पास ग्रुप होगा अंडर एडिशन. सिंस वी इज एन अबेलियन ग्रुप, हम ये जानते हैं
वी हमारे पास अबेलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, ठीक है, वी हमारे पास अबेलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, एंड डब्ल्यू इज अ सबसेट ऑफ एंट, डब्ल्यू इज अ सबसेट ऑफ वी, डब्ल्यू वी का क्या है, सबसेट है, देयरफोर W is also an abelian group under addition, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम ही इसका यही है कि अंडर एडिशन क्या होगा, जो अगर कोई भी हमने वेक्टर स्पेस प्रूव करनी हो, आप एग्जाम अपने माइंड में लेकर आए, जो मैंने अपनी पिछली डेफिनेशन में आपको बताया था पिछले लेक्चर में, तो वो यही था ना कि हमने उसको एडिशन अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है अंडर एडिशन, तो फर्स्ट एग्जाम मैंने यहाँ पे प्रूव किया है। देखिए मैंने कहा कि डब्ल्यू ग्रुप अंडर एडिशन है इस रेस्पेक्ट से जो गिवन कंडीशन उसको यूज़ करते हुए, अब अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन प्रूव करना था, वी चूंकि हमारे पास डब्ल्यू जो है वो वी का सबसेट है, तो इस हिसाब से हमने डब्ल्यू को भी क्या कह दिया कि वो अबेलियन ग्रुप होगा अंडर एडिशन। इसी तरीके से क्या होगा कि W is also and the abelian group under addition, also V, and also V satisfy all the axioms of a vector space, ठीक है, vector space के सारे axioms को satisfy करेगा, and W is contained in V, and W is contained in V, क्योंकि वो V के अंदर contain करता है, ठीक है, इसी वजह से चूंकि वो V के अंदर contain करता है इसलिए वह सारे के सारे axiom जो vector space में मौजूद हैं V के बाकी axioms वो W के अंदर भी मौजूद हो जाएंगे, तो इससे हमारे पास क्या बात समझ, सो V is also satisfied all the axioms, W is also satisfied all the axioms of vector space, ठीक है, of vector space, so and hence हमारे पास ये बात प्रूव हो गई कि W is a subspace of V, hence प्रूव दैट W is a subspace of V, ठीक, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, जिसके अंदर हमने जो है बहुत अहम जो है वो क्राइटेरिया एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई वेक्टर स्पेस है तो उसकी सबस्पेस के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, ये दो एग्जाम्स अगर उसके अंदर मौजूद होंगे तो हम ये कह देंगे कि कोई भी स्पेस क्या होगी, वेक्टर स्पेस होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।